हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से होंगे गाइस। जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर अपडेट, हर न्यूज़ मिले। ओके, हर आपको मेरी न्यूज़ मिलती रहे गाइस, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे मैंने अपडेट डालनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाइस फॉलो करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें, ठीक है? आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम, अपडेट लेके आते हैं गाइस। ओके, तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि मैंने क्या डिस्कस करना है, मैंने इस पे डिस्कस करना है माल्टा वर्क परमिट एक्सटेंडेड वीज़ा की जो आजकल सबमिशन हो रही है ना, उसके पे मैंने एक स्टेटस के वीडियो डाला था। स्टेटस पे जो पहले था, जो 5 से 6 स्टेटस आते थे फाइनल, ठीक है गाइस, तो सब पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। पहले भी मेरे वीडियोस चले हुए हैं और अभी एकदम से कुछ चेंजेस आई हैं VFS ट्रैकिंग पे, साइट पे। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि ये स्टेटस क्यों आ रहा है, इससे क्यों आ रहा है, ठीक है। मोस्टली ये स्टेटस सबको चेंज हो रहा है 15 मई से गाइस, सोमवार से 15 मई से चेंज हो रहा है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि सेंट्रल वीज़ा यूनिट का जो स्टेटस आ रहा है सबको, तो ऐसा क्यों है, क्या मतलब इसका गाइस, ठीक है? बिकॉज़ ये 15 मई से पहले तो नहीं शो हो रहा था, 15 मई शाम को सोमवार को यानी सबको ये स्टेटस शो हो रहा था सेंट्रल वीज़ा यूनिट वाला। ओके, जो माल्टा में प्रोसेसिंग का स्टेटस सबको शो हो रहा था। ओके, तो फर्स्ट टाइम जैसे मैंने लिखा है इस पे साफ कि आपका स्टेटस भी ये वाला शो हो रहा है गाइस। सेकंड लिखा है मैंने कि 15 मई से ये चेंज हुआ है। ओके, तो इसका क्या मतलब है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये सडनली क्यों चेंज हुआ, और लास्ट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सवाल मुझसे गाइस कि इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। बिकॉज़ पहले मैंने बताया था गाइस कि सेकंड मेल अगर आ जाता है, जैसे सबमिट करवाते हैं हम, डिस्पैच का मेल आता है ना, और सेकंड आता है रिसीव्ड एट VFS ग्लोबल, तो मींस कि आपकी फाइल माल्टा से आ गई है। पहले तो ये सिस्टम था गाइस, ठीक है? बिना वीडियो को स्किप किए गाइस सारा ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको सारी डिटेल्स क्लियर आएगी गाइस। ओके, पहले ऐसे होता था जब फाइल सबमिट करवाते थे तो डिस्पैच का आता था, VFS का नोटिफिकेशन। ओके गाइस, फिर सेकंड आता था कि रिसीव डेट VFS ग्लोबल, मींस कि माल्टा से आ गई है। बट अब एकदम से जैसे थर्ड मेल पर्सन को आ रही है कि प्रोसेसिंग एट CVU, डिस्पैच एट CVU, ऐसे आ रहा है ना, तो वो कन्फ्यूज हैं कि ये वापस माइल उनकी चली गई है गाइस। वो उनको ऐसा लग रहा है गाइस, सबको ना आपको यही लग रहा है कि फाइल वापस चली गई है। तो गाइस बेफिक्र रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका स्टेटस जो है, जैसे पासपोर्ट वगैरह वहाँ से आ चुका हुआ है गाइस। ओके, पासपोर्ट जब जाता है माल्टा तो फर्स्ट स्टेज में ही चला जाता है गाइस, ठीक है? जब सबमिट करवाते हैं तो पहले आपका पासपोर्ट भेज दिया जाता है। ओके, जब सेकंड स्टेटस आता है गाइस, ठीक है, जब सेकंड स्टेटस आता है आपका, तो उसके बाद क्या होता है, मीन्स कि आपका जो है फाइल वहाँ से आ गया हुआ है। ओके गाइस, सबका फाइल वहाँ से आ गया हुआ है माल्टा से, मीन्स पासपोर्ट आ गया है, बाकी जो डॉक्यूमेंट स्कैन जाते हैं। तो अभी बात ये है कि थर्ड स्टेटस जो है वो क्यों आ रहा है, ठीक है? ओके, तो थर्ड स्टेटस पे जाते हैं कि क्या स्टेटस आ रहा है जो 15 मई से आ रहा था। वो गाइस ये है, देखिए, योर वीज़ा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर MFT से स्टार्ट होता है, हैज़ बीन डिस्पैच टू द सेंट्रल वीज़ा यूनिट माल्टा फॉर प्रोसेसिंग। मोस्टली सब पर्सन का ये स्टेटस आ रहा है गाइस, राइट? ठीक है, तो ऐसे आ रहा है सबका। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है पहले आता था दिल्ली एम्बेसी, एम्बेसी ऑफ दिल्ली, ओके, एम्बेसी ऑफ माल्टा न्यू दिल्ली आता था कि उसको डिस्पैच कर दिया गया है। अब क्या आ रहा है, सेंट्रल वीज़ा यूनिट। तो ये गाइस ऐसे है कि जो आपका डिसीज़न है ना वो ले लिया गया है, सेकंड स्टेज पे ही ले लिया गया है। जब आपका फर्स्ट सबमिशन करवाती है ना तो फाइल वहाँ जाती है, ठीक है, जब सेकंड स्टेटस आया था ना आपका, उससे पहले ही आपका जो डिसीज़न लिया जा चुका है। अभी बस गाइस सिर्फ पेपर वर्क चल रहा है, फॉर्मेलिटीज चल रही हैं और कुछ नहीं। जो न्यू दिल्ली एम्बेसी में होता था वही सब सेम टू सेम
सी व्यू का शो कर रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ जहाँ वैसे में होती थी कि हाँ पेपर वर्क चल रहा है, वही पेपर वर्क हो रहा है बस, और कुछ नहीं, डिसीजन लिया जा चुका है गाइस, ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद गाइस क्या स्टेटस आता है, जैसे ये किसी का आ रहा है तो उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टेटस आएगा आपका ये वाला, योर वीज़ा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज अंडर प्रोसेस एट सेंट्रल वीज़ा यूनिट एट आइडेंटी माल्टा एजेंसी माल्टा, ओके गाइस। ये उसके बाद का स्टेटस है, ठीक है। ये दो स्टेटस की रिपोर्ट अभी मेरे पास है, इसके बाद जैसे कोई रिपोर्ट आएगी इसके बाद क्या है, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। वैसे इसके बाद का गाइस यही आएगा कि पासपोर्ट जो है प्रोसेस्ड पासपोर्ट इज़ रेडी फॉर कलेक्शन, ओके। प्रोसेस पासपोर्ट इज़ डिस्पैच आएगा टू न्यू दिल्ली और प्रोसेस पासपोर्ट इज़ रेडी फॉर कलेक्शन एट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, जिसका अंडर प्रोसेसर है ना गाइस, इसके बाद जो स्टेटस है वो पासपोर्ट कलेक्शन का ही है गाइस, ओके। अंडर प्रोसेस के बाद आपका फाइनल है कि आपको पासपोर्ट मिल जाएगा बस, ओके गाइस, ये है, ठीक है। और उसके बाद जाते हैं इस पे दोबारा से गाइस, इसमें ये है पर्सन को लग रहा है कि सडनली क्यों चेंज हो गया, ये गाइस उनका इंटरनल है, सेंट्रल वीज़ा यूनिट आईडी माल्टा का इंटरनल मैटर है कि स्टेटस एकदम से कुछ एप्लीकेंट्स के ही क्यों चेंज किए, ठीक है। अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये किस लिए चेंज हुए, क्यों हुए, बाकी जो था मैंने, जो मेरे पास अपडेट थी मैंने सब बता दिए आपको। और इंटरव्यू गाइस मान के चलिए आपका नहीं होगा, नो इंटरव्यू, बट स्टिल मेरा यही आपको राय है कि आप अपना तैयारी रखें गाइस, बिल्कुल बिल्कुल तैयारी रखिए, आपको सारा पता होना चाहिए, जो अपनी फाइल सबमिट करवाई है उसके रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अपनी तरफ से आप तैयारी रखें गाइस, ओके। तो आई होप सो आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा, तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें गाइस, जिन्होंने फाइल सबमिट करवाया हुआ है और जो करवाने वाले हैं, ताकि सबकी हेल्प हो सके गाइस। और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल पे आते रहिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो भी किसका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज करके फॉलो करें गाइस। थैंक यू सो मच।